अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम महफूज खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को YouTube के चैनल की जो सेटिंग होती है वो आपने सिर्फ एक दफा करनी होगी, उसके बाद जो है आप जो है आपके चैनल की जो सेटिंग है वो लाइफ टाइम रहेगी। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो वो सेटिंग आपके चैनल की परफेक्ट रहेगी। तो वो क्या सेटिंग है, किस तरीके से आप लोगों ने करनी है और इस सेटिंग को करने के बाद आपके चैनल में जो बदलाव आने वाला है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब कोई नया यूट्यूबर होता है तो उसको ये बहुत सारी सेटिंग्स नहीं पता होती हैं, जिस वजह से जो उनका चैनल ग्रो नहीं होता है। अगर आप लोगों को ये तमाम सेटिंग्स पता चल जाए तो आपका चैनल भी जो ग्रो होने लग जाएगा और आपके चैनल के ऊपर व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों चीजें जो है आने लग जाएंगी। क्योंकि बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं तो उनके पास यूट्यूब से काफी एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है उन्होंने, जिसकी वजह से उनके चैनल के ऊपर जो व्यूज आ रहे होते हैं, सब्सक्राइबर आ रहे होते हैं और उनका चैनल ग्रो हो रहा होता है। तो आप भी अगर उस कैटेगरी का अपना चैनल बनाना चाहते हैं कि आपके चैनल के ऊपर भी जो ऑटोमेटिकली व्यूज आए, ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर आए, यूट्यूब आपकी वीडियो को जो रिकमेंड करे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, तो वो क्या सेटिंग है, मुकम्मल चैनल की जो सेटिंग होती है आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इस चैनल की सेटिंग करने के बाद आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं एक एक स्टेप एक एक सेटिंग जो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो चलिए आइए, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, मुकम्मल सेटिंग आप लोगों को समझाऊंगा, वीडियो को आप लोगों ने बड़े तवज्जो से देखना है। तो चलिए आइए मोबाइल की स्क्रीन पर चलें। तो देखिए, हम यहाँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों ने गूगल क्रोम से जो है यूट्यूब को ओपन करना है और इसी के बाद जो आप तमाम यूट्यूब की जो सेटिंग्स होती हैं उनके ऊपर पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और उसके बाद देखें मेरा जो यूट्यूब का चैनल है इसी पर मैं आपको तमाम सेटिंग दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ से YouTube को टैप किया और टैप करने के बाद ये ऊपर जो थ्री डॉट है इन थ्री डॉट पर आपने टैप करना है और उसके बाद ये डेस्कटॉप साइड जो मैंने चेक लगाया हुआ है तो डेस्कटॉप साइड पर आपने चेक लगाना है। उसके बाद ये आपका जो चैनल का आइकॉन है इसको टैप करना है। इसको टैप करने के बाद ये आपको योर चैनल लिखा हुआ नजर आ रहा है तो योर चैनल को आपने टैप कर लेना है और उसके बाद ये कस्टमाइज चैनल, तो कस्टमाइज चैनल को भी आपने टैप कर लेना है और आपने जो है मोबाइल को घुमा लेना है ताकि आपको ये पूरी जो स्क्रीन है मैं मोबाइल से आपको करके दिखा रहा हूँ, आप भी जो है मोबाइल से ही सेटिंग करेंगे लाजमी बात है, तो आप लोग मोबाइल को घुमा लें ताकि आप लोगों को भी मुकम्मल जो है आसानी के साथ पूरी चीज़ें नज़र आ सकें। देखिए, यहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पहुँचने के बाद अब सबसे पहली चीज़ आप देखें, लेआउट जो बना हुआ है ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेआउट ब्लू कलर का, तो लेआउट के नीचे देखें आप ये वीडियो आगे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वीडियोस स्पोर्ट लाइट्स, तो यहाँ पे देखें कुछ चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब, जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों के लिए जो है आप ये सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करें, ऐड पर जाने के बाद जो वीडियो आप जो है सबसे ऊपर लेके आना चाहते हैं तो उस वीडियो को सिलेक्ट कर दें ताकि आप लोगों की जो वीडियो है वो जिन बंदों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया उनके पास ये इस तरीके से शो हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन देख लें, नीचे एक और चीज़ देखिए, फ्यूचर्स वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यानी जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है और आप कोई ऐसी वीडियो उनको दिखाना चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं देखी हो, तो आप यहाँ पे ऐड पे जाएं। ऐड पे जाने के बाद यहाँ से आप वो वीडियो जो आप अपने सब्सक्राइबर को दिखाना चाहते हैं जो रिटर्न आपके पास आएंगे तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर दें। ये मैंने सेलेक्ट कर दी और उसके बाद नीचे ये आपकी फ्यूचर्स सेक्शन जो यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर आप और भी जो सेक्शन बना सकते हैं फ्यूचर के अंदर कौन कौन से, और यहाँ पर आपकी वीडियोज वाला सेक्शन है। तो ये तो हो गया हमारा लेआउट कंप्लीट। अब जो ये ब्रांडिंग जो लिखा हुआ है, ब्रांडिंग पे जाते हैं, ब्रांडिंग पे देखें, ब्रांडिंग पे ये आपके चैनल का जो आइकॉन है आपकी जो यानी कि जो यूट्यूब का चैनल होता है उसकी जो तस्वीर, जैसे मेरी ये तस्वीर आ रही है तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको चेंज करना है तो ये चेंज लिखा हुआ है, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाए तो बैनर इमेज यानी कि जो चैनल बैनर चैनल आर्ट जिसे कहा जाता है तो वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और उसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और नीचे आए तो यहाँ देखें ये वीडियो वाटरमार्क लिखा हुआ है, यहाँ से आप वीडियो वाटरमार्क जो अपलोड कर सकते हैं, या आपको ये कॉर्नर पे निशान जो बने हुए नज़र आ रहे हैं तो आपकी जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी वीडियो पे ये आपके चैनल का वाटरमार्क या आप कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो लग सकती है। उसके बाद बेसिक इन्फो में चलते हैं आगे। दूसरा ये देखें, बेसिक इन्फो में आ गया, बेसिक इन्फो में आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। तो देखें, सबसे ऊपर तो आपके चैनल का जो है ये नाम है, जैसे मेरे चैनल का नाम है MKTech, अगर ये चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से और ये आपके चैनल का नाम ही रहेगा, आपका गूगल का अकाउंट वगैरह जो है वो चेंज नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। और उसके अलावा नीचे आ जाए तो ये हैंडल वाला ऑप्शन जो यूट्यूब ने दिया है अभी नया नया है, ये बहुत से चैनल्स को मिल गया है तो मुझे भी मिल गया है, ये @MKTech3 जो है मुझे चैनल का जो हैंडल है मिला है। तो आप भी इस चैनल का हैंडल जो अपने चैनल का हैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ये देखें, ये आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन है,
यानी कि मेरे चैनल की है, तो आप भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने चैनल की जो है वो अपने तरीके से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और इसमें हैशटैग वगैरह लाकर जो आप अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपका चैनल जो है ग्रो होगा। उसके अलावा ऐड लैंग्वेज, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो आपके चैनल का जो URL है, जो आपके चैनल का जो लिंक होता है वो यहाँ पर आ रहा है, इसको आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से कॉपी करके कि कहीं पर आपको भेजना है तो वो भेज सकते हैं। उसके अलावा नीचे लिंक आप अपने अदर साइट्स यानी फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या किसी का भी यहाँ पर लिंक जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना वो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जिससे कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो वो आपके सेक्शन में आके, यानी कि आपके चैनल के ऊपर आने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ से आपके ईमेल के ऊपर आपसे रब्ता कर सकता है। तो ये तो हो गई तीनों मेन सेटिंग चैनल की जो कस्टमाइजेशन है। अब आ जाते हैं हम यहाँ से डेस्कटॉप जो ऊपर ये कॉर्नर पे ये तस्वीर के नीचे जो है इसको टैप करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखें अभी यहाँ ये देखें लिखा हुआ भी है यहाँ नीचे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में देखें चैनल डैशबोर्ड जो है आपका वो ये तमाम चीज़ें बता रहा है, आपकी लास्ट वीडियो है इसके ऊपर कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक वगैरह आए, और ये आपकी जो वीडियो है पब्लिश वीडियो वो बता रहा है, और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट जो है आपकी वो जो है यहाँ पे आ रही है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो पोस्ट की हैं, कमेंट्स कौन से हैं। और इसके अलावा ऊपर देखें तो यहाँ पर आपने जो अभी लास्ट अचीवमेंट है मेरे 1000 जो है व्यूज़ हो चुके हैं 5 दिन पहले, तो वो जो है यहाँ पे बता रहा है। ये यूट्यूब का जो एनालिटिक्स है वो पूरे का पूरा यहाँ आप चेक कर सकते हैं। चैनल एनालिटिक्स जो है यहाँ पे आ सकता है। करंट सब्सक्राइबर, आपके 28 दिन की जो समरी है उसमें कितने अपने व्यूज़ हासिल किए, कितना वाच टाइम हासिल किया। टॉप वीडियो जो है आपकी 48 घंटे के अंदर वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ से इसका एनालिटिक्स भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है लेटेस्ट कमेंट्स, जो आपके लेटेस्ट कमेंट्स हैं वो भी देखें यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीडियो पे, इस वीडियो पर। उसके अलावा रिसेंट सब्सक्राइबर जिन्होंने आपको 90 दिन के अंदर अंदर सब्सक्राइब किया है, तो वो सब्सक्राइबर भी आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। सही है। इसके अलावा हम इसको जूम इन करते हैं, और इसके अलावा यहाँ देखें साइड में यूट्यूब कुछ आइडियाज़ भी देता है, तो वो आइडियाज़ जो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा आइडियाज़ फॉर यू चेक इट आउट, तो ये भी जो है आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब की जो आइडिया है, और ये न्यूज़ वगैरह जो है यूट्यूब के हवाले से। तो ये तो है डैशबोर्ड वाला सेक्शन। अब डैशबोर्ड के बाद ये नीचे जो प्ले का निशान है ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसको प्ले करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये प्ले लिस्ट जो है बता रहा है, आपकी जो प्ले लिस्ट होती है वो प्ले लिस्ट जो है आपकी यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पे 3, 4, 5 जितनी चाहें प्ले लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको प्ले लिस्ट बनाना नहीं आती तो उसकी भी वीडियो जो है मेरे चैनल पर पड़ी है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये प्लेलिस्ट के नीचे देखें कौन सा ऑप्शन है, एनालिटिक्स वाला ऑप्शन आ गया। तो एनालिटिक्स के ऊपर आप जाएं तो आपके चैनल का जो पूरा एनालिटिक्स है वो आपके सामने शो हो जाएगा, कितनी वीडियोज़ हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितने घंटे में, कितने सब्सक्राइबर हैं, तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास यहाँ ये एनालिटिक्स वाले सेक्शन से आ जाएंगी। उसके बाद नीचे एनालिटिक्स के नीचे देखते हैं क्या चीज़ है, तो ये कमेंट्स आ गए आपके, जो जो कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट जो हैं देखें यहाँ पर शो हो रहे हैं, कौन सी वीडियो पे कितने कमेंट्स आए वो भी आपको नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट्स के नीचे देखते हैं क्या है, तो ये कॉपीराइट, यहाँ पे अगर आपके पास कोई कॉपीराइट क्लेम आया है या कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, कोई कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक आई है, तो वो यहाँ से आपको नज़र आ सकती है। और कॉपीराइट से ऊपर भी जो एक चीज़ है इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या था, तो ये देखें सबटाइटल, ये सबटाइटल यहाँ पर जो है आपकी जो वीडियोस के टाइटल हैं वो सारे यहाँ पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लैंग्वेजेस अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा ड्राफ्ट देखते हैं, इसमें भी 3 जो है ये सेक्शन बने हुए हैं। ड्राफ्ट में क्या चीज़ है, तो ड्राफ्ट में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। पब्लिश के अंदर देखें सारी वीडियोज़ जो है मेरी पब्लिश हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर कोई अनलिस्टेड होगी वो भी नज़र आ जाएगी, कोई प्राइवेट हुई होगी तो वो भी जो है यहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसके अलावा आप चलते हैं या नीचे वाले कॉपीराइट तो हमने चेक कर लिया, अब ये जो एस बना हुआ है एस के ऊपर जाते हैं, डॉलर वाला साइन है ये, और देखें ये है चैनल मोनेटाइजेशन वाला पेज। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ आप लोग समझ लें, देखें ग्रोथ विद यूट्यूब लिखा हुआ है, और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है यानी कि आपका जो चैनल जब क्राइटेरिया कम्प्लीट कर लेगा यानी कि 1000 सब्सक्राइबर देखें रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, यूट्यूब के जो आपका पार्टनर प्रोग्राम वाला जो पेज है उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर आपकी रिक्वायर्ड में पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा ये 4000 घंटे रिक्वायर्ड पब्लिक वॉच टाइम जो है ये आपका पूरा हो जाएगा, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो सकता है। ये तमाम बातें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा यहाँ देखें ये 2-स्टेप वेरीफिकेशन जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है, ये होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। उसके अलावा ये देख रहे हैं आप एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, अगर आपके पास कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है तो वहाँ पर भी जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो चैनल है
वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी तो मे बी पॉसिबल कि आपका चैनल किसी भी कंडीशन में हो आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किसी चैनल पर आ गई है तो आप उस चैनल पर मेहनत ना करें, अगर वो बिल्कुल नया चैनल है, क्योंकि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ये इसमें क्लियरली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी है उसमें ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। तो मतलब ये कि अगर यहाँ एक लिखा हुआ आ गया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके चैनल के लिए। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके पास जब ये क्राइटेरिया कम्प्लीट हो जाए तो यूट्यूब आपको मैसेज भेजे, तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफाई मी वैन आई एम एलिजिबल, यानी कि जब मेरे चैनल का क्राइटेरिया यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएँ तो मुझे मेल कर दी जाए या मुझे बता दिया जाए तो यूट्यूब आपको बता देगा। उसके बाद देखते हैं ये डॉलर वाला साइन हो गया कंप्लीट। अब नीचे देखते हैं क्या चीज़ है, तो यहाँ नीचे देखें ये कस्टमाइजेशन, ये कस्टमाइजेशन वही जो मैं अभी आपको ऊपर दिखाई थी वीडियो स्प्लिट वगैरह जो है। और उसके बाद लास्ट में देखें क्या चीज़ है, तो अब ये देखें लास्ट के अंदर जो ये म्यूज़िक का एक साइन बना हुआ है, म्यूज़िक का निशान, तो इसको मैं यहाँ से टैप करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो ये देखें यहाँ पर जो है फ्री जो YouTube का म्यूज़िक है, ये कोई भी म्यूज़िक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कोई स्ट्राइक आएगी। तो यहाँ से आप अगर म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे म्यूज़िक जो है आप लोगों को फ्री कॉपीराइट मिल जाएंगे। इसके अलावा अब हम यहाँ से कॉर्नर पर देखें, सेटिंग वाला एक निशान है, इसको भी यहाँ से टैप करके दिखाता हूँ आपको। ये कॉर्नर पर देखें सेटिंग वाला निशान मैंने ओपन किया, सबसे पहले देखें डिफ़ॉल्ट यूनिट जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करेंसी आपको डॉलर में रखनी है, लोग डॉलर में ही जो करेंसी लेते हैं ज़्यादातर। अगर आप किसी कंट्री से हैं और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन पर टैप करें और यहाँ सारी कंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं और उस कंट्री की करेंसी भी आपको नज़र आ रही है। अगर आपको कोई और सेलेक्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में जो ये ज़्यादातर लोग डॉलर के ऊपर ही चल रहे होते हैं तो आपने डॉलर ही सेलेक्ट करना है। ये हो गया। इसके बाद अब ये देखेंगे जर्नल, और उसके बाद नीचे आए हैं चैनल पर, तो ये चैनल पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखें चैनल पर कुछ बड़े मेन काम हैं जो आप लोगों को अपने चैनल के लिए करने चाहिए, तो उसमें देखें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले देखें बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे मेन मेन जो चीज़ है वो आप लोग ज़रूर करें, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आप बांग्लादेश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कंट्री में ओपन करता हूँ, तो देखें जिस कंट्री से भी आप हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है कंट्री को सेलेक्ट करना, तभी आपकी जो ऑडियंस है वो आपके चैनल के ऊपर आएगी आपकी कंट्री की। और उसके अलावा ये नीचे आपको नज़र आ रहा है चूज़ द कंट्री वेयर यू आर, अच्छा ये तो ऊपर वाले के लिए हो गया। अब नीचे देखें कीवर्ड, ये कीवर्ड जो है इसमें आप अपने चैनल का नाम लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद चैनल का नाम हैशटैग के साथ लिखा हुआ है, उसके बाद किस कैटेगरी के ऊपर किस कॉन्टेक्ट पे मैं कंटेंट पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो तमाम कीवर्ड जो है मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, यानी कि जिस से रिलेटेड जिस टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ बनाई जाती हैं तो उन टॉपिक्स के कीवर्ड जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से इनको ज़रूर यूज़ करना है, तभी जो है आपके चैनल के ऊपर जो है वो व्यूज आते हैं और यूट्यूब आपके चैनल को ग्रो करता है। और यहाँ पे आप 500 वर्ड लिख सकते हैं, 459 जो है मैंने लिखे हुए हैं तो आप 500 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉर्नर से इसको सेव कर दें और उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग को मैं टाइप करता हूँ। अब देखें एडवांस सेटिंग में भी कुछ बड़ी मेन मेन चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों ने ज़रूर से समझ लेनी है। ऑडियंस के बारे में लिखा हुआ है और ये नीचे देखें डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल्स एज मेड फॉर किड, क्या आपका चैनल बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, अगर आप बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है यस सेट दिस चैनल मेड फॉर किड, तो आपने यहाँ पर ऊपर वाले पे चेक पर साइन कर देना है। और अगर आप बच्चों के लिए आपका कंटेंट नहीं बनता है यानी बच्चों वाली वीडियो आप नहीं बनाते हैं, आपकी जो वीडियो है वो बड़े बच्चे सब देख सकते हैं, बड़ों के काम की वीडियो होती है, तो आप यहाँ पर सेंटर वाले पर नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड, ये आपने ज़रूर से करना है, वरना आपकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल नहीं होंगी, आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ कम आएंगे और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसके ऊपर रेवेन्यू भी बहुत कम आएगा। और नीचे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं तो आप नीचे वाले को जो है टैप कर सकते हैं, वरना आप सेंटर वाले को टैप करके छोड़ दें। उसके अलावा देखें ऑटोमेटिक कैप्शन, इसको आपने फिलहाल नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे रहने देना है। एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी मोनेटाइजेशन के हवाले से, इसको भी आप बिल्कुल ना छेड़ें। और यहाँ पे क्लिप, अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कॉन्टेंट, ये आप अलाउ कर रहे हैं, यूट्यूब को बता रहे हैं कि कोई भी बंदा अगर मेरी वीडियो में से कोई छोटा सा क्लिप लेना चाहता है यानी कि जैसे शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता है तो वो ले सकता है, तो आप इसको चेक लगा दें। और अगर आप किसी को नहीं देना चाहते तो यहाँ से चेक हटा दें। तो ये हो गई यहाँ की सेटिंग। अब ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है फ्यूचर एलिजिबिलिटी, इसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर एलिजिबिलिटी के अंदर देखें क्या क्या है। फ्यूचर एलिजिबिलिटी के अंदर ये
स्टैंडर्ड वन इनेबल, तो इसको भी जो है आप छोड़ दें, ये भी आपके अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। तो ये हो गया, तो इस तरीके से जो आपके चैनल की ये मुकम्मल जो सेटिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर जो है कभी भी कोई सेटिंग करने की प्रॉब्लम ना आए। ये तमाम सेटिंग मैंने आज के इस चैनल में, इस वीडियो में आप लोगों को बता दी, और इसके बाद जो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।